मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सबको वेलकम करती हूँ मेरे चैनल में जिसका नाम है पू व्लॉग्स। सो आज के इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ, गेस व्हाट, हम सबका प्यारा बेम्बू शूट का अचार एंड पोर्क का अचार। दिस इज अ हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो, बहुत डिमांड है ये वीडियो का। जस्ट किडिंग, डिमांड नहीं है, लेकिन एक प्यारे से सब्सक्राइबर ने बहुत डिमांड किया था पोर्क का अचार के लिए, उसने बोला था। तो मैंने सोचा कि पोर्क का अचार बना ही रहे तो बेम्बू का अचार भी बना के दिखा देती हूँ, क्योंकि ये सब पहले हम लोग इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब से कॉलेज गया तब हॉस्टल में घर का खाना इतना मिस करता है, तो ये जो अचार बना के रखता है ऐसा लगता है कि अपना एक जगह का एक कुछ तो है आपके पास जिसको आप खा के कि हाँ आई एम एट होम। आज जो हम लोग पिकल बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए बस 3 सिंपल इंग्रेडिएंट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पोर्क पिकल के लिए हमें चाहिए उबला हुआ और श्रेडेड किया हुआ पोर्क, अदरक एंड थोड़ा सा रेड चिली। और बेम्बू शूट पिकल के लिए हमें चाहिए 1 फुल कप बेम्बू शूट, मस्टर्ड ऑयल एंड किंग चिली या तो भूत जलोकिया इन माय लैंग्वेज सिबोल। बहुत लोगों ने पूछा कि बेम्बू शूट को आप कैसे स्टोर करते हो, तो ये देखिए हम लोगों ने बाल्टी में रखा हुआ है, ये बिल्कुल फ्रेश बेम्बू शूट है। हो सके तो प्लास्टिक के डिब्बे में स्टोर करिए, उसके बाद ऊपर से ऐसा प्लास्टिक ढक दीजिए, फिर ये आपका साल, 2 साल 3 साल पूरा चलेगा। बेम्बू शूट पिकल के लिए सबसे पहले थोड़ा तेल गरम कर ले, पूरा डिब्बा खाली कर दे। तेल बहुत गर्म हो गया, अभी हम लोग डालते हैं बेम्बू शूट को। हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। गैस को लो हीट पर रखकर बेम्बू शूट को थोड़ी देर तक पकाएं। नेक्स्ट इसमें डालेंगे किंग चिली, तो इसको मैंने 2 पीस कर दिया है और बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रहा है। 1 फुल चम्मच नमक, क्योंकि डोंट वरी अबाउट द नमक गाइस, क्योंकि अचार जो सब नमक सोख लेता है, तो आई थिंक शायद ये भी कम पड़ सकता है, तो हम 1 चम्मच और डाल देते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग और तेल डालने वाला है बाद में। इसको थोड़ा चलाएंगे। अगर आप बेम्बू शूट फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो सारे इंग्रेडिएंट्स एक एयर टाइट जार में मिलाकर कम से कम 1 हफ्ते के लिए धूप में रख दें। अभी अचार को स्टोर करने के लिए एक ग्लास जार ले ले, सबसे बेस्ट है। इसको मैंने धुलाया था लेकिन पानी अभी तक ड्राई नहीं हुआ, पानी को अच्छे से ड्राई कर लीजिए। इतना बढ़िया ग्लास जार आपको ऑनलाइन में मिल सकता है, या तो आप क्या कर सकते हो, जो पुराना अचार का डिब्बा है उसको फेंकना मत, धुला के उसमें आप अचार स्टोर कर सकते हो। यहाँ से लेके अभी अचार को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दीजिए, अदरवाइज आपका ऐसा स्टीम स्टीम हो जाएगा। तो अभी मैं भी थोड़ा ठंडा होने दूंगी। बाय द मीन टाइम मैं अपने लिए डिलीशियस सा लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ। नेक्स्ट इज लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, पोर्क डाल दे, ये ऑलरेडी बॉइल्ड है तो पकने में समय नहीं लगेगा। सिंपल पोर्क ड्राई फ्राई में क्या ट्विस्ट है, ट्विस्ट है ये है वाइल्ड ग्रीन्स, इसको हम लोग बोलते हैं पक्कुम साग या तो ओंगनोइंग। ओंगनोइंग को हम यहाँ पे डालते हैं। वाओ, पत्ते का कलर फ्रेश ग्रीन रखने के लिए सब्जी को ढक्कन ना लगाएं। लगता है मेरा अचार बेम्बू शूट का अचार ठंडा हो गया होगा, तो उसको हम लोग खाली कर लेते हैं। तो ये अचार ठंडा हो गया है, गाइस दिस इज डन। सो मेरा लंच भी रेडी है, अचार बनाते बनाते लंच भी बन गया। अब बनाना है पोर्क का पिकल, तो चलिए शुरू करते हैं। सब्जी के कढ़ाई में ही बना देती हूँ अचार। सो तेल गरम करके रेड चिली डाल दीजिए, ड्राइड वाला।
फ्लेम को थोड़ा हाई कर दीजिए और थोड़ा हल्का सा फ्राई करिए। गाइस ये फ्राई हो चुका है, पूरा रूम स्मेल कर रहा है अभी। इसको जल्दी से खाली कर दीजिए वरना सब छिकने लग जाएगा। अरे हाँ, तेल में आपको पोर्क फ्राई करना है। उसके बाद जो अदरक था उसका मैंने पेस्ट बना लिया है, ये भी हम लोग डालते हैं। आप अदरक के बदले लहसुन भी डाल सकते हैं, मैंने अदरक चूज़ किया है क्योंकि ये पेट के लिए थोड़ा माइल्ड होगा। अब ये मिर्ची को हम लोग कूट लेते हैं यहाँ से और थोड़ा अपना टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डाल दो। गाइस पोर्क भी हम लोग का अचार के लिए पोर्क रेडी हो गया है, गैस बंद कर दीजिए। ये जो चिली रेडी किया था आपने, चिली और सॉल्ट, उसमें इसको मिक्स कर दीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने पोर्क को खाली कर दिया है, अभी इसको मिक्स करिए अच्छे से। ऑन सेकेंड थॉट गाइस कढ़ाई में ही मिक्स कर लेते हैं। वाओ, तो देखिए हम लोग का पोर्क का अचार रेडी है। मुच्चू आपको भी खाना है पोर्क का अचार? इसको यहाँ पे खाली करके रख देते हैं। गाइस मेरे पास बहुत है अचार का खाली डिब्बा। गाइस ये पूरा फुल हो गया। वाह, थोड़ा सा बच गया है तो इसको हम टेस्ट करके देखती हूँ। वाह, स्पाइसी पोर्क का फैट और बस स्पाइसी और पोर्क का फैट, यम्मी। पिकल इज रेडी, आइए अभी लंच कर लेते हैं। गाइस ये अचार रेडी टू ईट है, लेकिन बेम्बू शूट का अचार को आप 2-3 दिनों के लिए धूप में सुखा के रखो, तो ऐसा होने से जो बेम्बू है वो शूट जो धूप से थोड़ा और पक जाएगा और यम्मी हो जाएगा। पोर्क का सब्जी को हम ये पीतल का कटोरा में खाली कर दिया, ये मेरी दादी ने मुझे गिफ्ट दिया था। तो ये है मेरा आज का लंच, पोर्क स्टीर फ्राई एंड साग बॉयल और ये है साग का झूल। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं साग का झूल से। अगर आप मेरे वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो कुछ दिन पहले मैंने व्लॉग अपलोड किया था कि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है। ऐसा जिंदगी में नहीं हुआ, मतलब ऐसा क्या, तो आज हम सोच रहा था कि क्या तो पेट दर्द हुआ है मेरा, एसिडिटी हो गया था। आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ ईटिंग नॉन वेजिटेरियन एंड स्पाइसी खाना, आप लोगों ने बहुत ब्लेसिंग दिया उसके लिए थैंक यू। बहुत दिन तक पेट दर्द हुआ लेकिन कुछ दिन से, कल या परसों से थोड़ा ठीक लग रहा है। सो आई एम थिंकिंग कि पोर्क खा लूँ, लेकिन अभी ठीक लग रहा है। मेरी मौसी दिल्ली में है, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसको आजकल मेरा पल पल का खबर रहता है, तो इसलिए अभी मीट खाने से थोड़ी देर में फ़ोन आ जाएगा कि मीट क्यों खाया, पेट खराब था। लेकिन आई थिंक अभी थोड़ा मेरा डाइजेशन ठीक है, तो अगर इसको खा के भी पेट दर्द होता है तब हम नहीं खाएगा। लेकिन पोर्क कितना दिन के बाद खा रहा है, तो पहले साग से ट्राई करते हैं। अभी से ऐसे ही बना के खाएगा कि इतना टेस्टी है। नाउ आई एम गोइंग फॉर द पोर्क। डूब जाएगा टेस्ट में वो। सब कोई अपने आप को पोर्क लवर सोचता है लेकिन ऐसा नहीं है, तो आज हम आपको बता देगा कि असली पोर्क लवर कौन है। असली पोर्क लवर वही है जो पोर्क का फैट पसंद करता है। सॉरी टू बर्स्ट योर बबल, लेकिन अगर आप पोर्क का तेल पसंद नहीं करता है और आप बोलते हैं कि आप सिर्फ मीट पसंद है तो आप चिकन खा लो, है कि नहीं? तो जो रियल पोर्क लवर है वो बोलेगा तू सही बोल रहा है, अगर तेल नहीं खाया तो क्या पोर्क खाया। ऐसा हमको अच्छा लगता है, थोड़ा ग्रीनिश ग्रीनिश ना। और ये जो हम पत्ता खा रहे हैं, मेरा भाषा में इसको अंगन बोलता है, तो ये अंगन जो है बहुत ही हल्का सा कड़वा टेस्ट होता है,
तो वो हाई प्रेशर वालों के लिए ठीक है बोला, अगर हाई प्रेशर वाला खाएगा तो ठीक होगा। और ये पोर्क भी आज अच्छा मिला है, लोकल वाला पोर्क अच्छा है, दवाई वाला नहीं है। आज एक फनी स्टोरी क्या हुआ, हम जा रहा था मार्केट ओके स्कूटी से, तो मैंने देखा हाईवे था, तो मैंने देखा कि कोई मेरे आगे जा रहा है बाइक से, ऐसा करके जा रहा है। हम सोचे मतलब कि लॉन्ग ड्राइव में जाने से ऐसा फील आता है कि दोनों हाथ फैला के करने के लिए, लेकिन इतना बिजी रोड था, इतना ये लड़का जो इतना हाथ फैला के किया, टाइटेनिक वाला पोज क्यों दे रहा है मैंने सोचा। तब हम थोड़ा फास्ट चलाया, फिर देखा कि वो टाइटेनिक पोज नहीं दे रहा था, वो क्या कर रहा था पता है, उसका बाइक का जो हैंडल है वही इतना मॉडिफाई करके इतना हो गया था। तो हमको लगा कि वो हाथ ऐसा कर रहा है, लेकिन जब सामने गया तो पता चला कि वो ऐसा चला कर बाइक चला रहा, दूर। बहुत हंसी लग गया था पढ़ाई में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो, एंड आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज हमको कुछ अच्छा सीखने को मिला है। अपने लिए बना सकते हैं, या अपने ब्रदर सिस्टर या कोई भी फ्रेंड है उसको बना के पार्सल भी कर सकते हैं। अगर आपको पार्सल करना है तो ऑयल कम डालिए, और अगर घर के लिए बना रहे हैं तो ऑयल ज्यादा डालिए, क्योंकि ज्यादा दिन तक प्रिजर्व होके रह सकेगा वो। ऑल्सो अगर आपको ऐसा वीडियोस देखना है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है पू व्लॉग्स। एंड बहुत जल्द आपसे मिलने वाली हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।